एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीतू हैंग आउट ब्लॉग। तो कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो आप सभी लोगों को? और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी और मुझे करना है अभी मंदिर साफ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और मंदिर साफ नहीं कर रही हूँ, यानी मैंने पूजा नहीं की। पूजा मेरे हस्बैंड ने कर ली थी, इसलिए मैंने मंदिर मॉर्निंग में साफ नहीं किया था क्योंकि जोत चल रही थी। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट सबको करा के उसके बाद मंदिर साफ करने के लिए बैठूंगी, क्योंकि मंदिर साफ़ करने में पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सारे भगवान जी को मुझे पीताम्बरी से साफ़ करना है। मेरे पास सारे भगवान पीतल के हैं, तो उनको पीताम्बरी से मैं कम से कम महीने में या 15 दिन पर एक बार साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि चलो मंदिर साफ़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और लंच में आज मैं बनाऊँगी काले वाले चने, काले चने की सब्जी और उसके साथ राइस बनाऊंगी। तो यही आज रेसिपी है मेरी लंच में। और कपड़े आज धुलने नहीं है क्योंकि कल मैंने कपड़े धुले थे, इसलिए आज मैं कपड़े नहीं धुलूंगी, कल एक दिन छोड़ के धुलती हूँ। कभी कभी बाई चांस होता है कि डेली, और कल बहुत बारिश आई थी और बालकनी में पूरा, जैसे पहले मैंने बताया था, पूरा पानी भर गया था, तो वो भी साफ़ करना है मुझे अभी, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सारा घर का कर लिया था। और बालकनी इसलिए साफ़ नहीं करी, पहले सोचा कि मैं मशीन लगा दूँ, इसलिए मैंने बालकनी छोड़ दी कि मशीन तो लगानी है, तो बाद में ही बालकनी साफ़ हो। फिर मूड चेंज हुए, कपड़े इतने नहीं थे, तो मैंने सोचा अब चलो कल ही लगाऊँगी जब और भी कपड़े हो जाएंगे। तो एक काम मेरा और पड़ा हुआ है, वो भी अभी करना है। तो अभी पहले ब्रेकफास्ट कराती हूँ, फिर उसके बाद देखती मंदिर साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद बालकनी साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद लंच बनाऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं बना रही हूँ लंच में काले चने, और ये काले चने मैंने बॉईल कर लिए थे, रात में ही भिगो दिए थे। और मैंने कुकर रख दिया है गैस पे, और कुकर गर्म हो चुका है अच्छे से, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा रिफाइंड। रिफाइंड गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी गार्लिक और जिंजर, जो मैंने काटा था छोटे 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 पीस में, वो मैंने डाल दिया है। इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, और प्याज का थोड़ा सा वेट करेंगे उसको लाल होने में, क्योंकि प्याज को लाल, क्योंकि मैं मसाले पीस के नहीं बनाती हूँ ग्रेवी वाली सब्ज़ी, मैं ऐसे ही कट करके ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि पीसने में क्या होता है वो स्वाद नहीं आता। और मैंने टमाटर दो बड़े बड़े काट लिए थे, और टमाटर काटने के बाद मैं उसमें ही सारे मैंने सूखे मसाले मिला दिए थे। सूखे मसाले क्या, धनिया पाउडर होता है, पिसी लाल मिर्च होती है, और नमक, और क्या कहते हैं हल्दी, ये चार मसाले मैं मिला देती हूँ उसमें टमाटर में। और प्याज फ्राई होने के बाद मैं इसमें ये टमाटर और ये सारे सूखे मसाले मिला दूँगी, और इसका वेट करूँगी बहुत अच्छे से ये जब तक गल ना जाए। तो देखिए लगभग टमाटर भी मेरे गल चुके हैं अच्छे से, पूरा मसाला फ्राई हो चुका है, और थोड़ा सा और इसको फ्राई कर लेंगे जैसे ही, मतलब अच्छे से टमाटर गल जाए ताकि ग्रेवी अच्छी बने। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने मटर बॉईल करी थी, सॉरी मटर नहीं, काले चने बॉईल किए थे, तो सारे काले चने इसमें डाल दूंगी। और आवश्यकता अनुसार अब इसमें पानी डालेंगे, जितना आपको जैसी ग्रेवी रखनी है। हम लोग तो ज़्यादातर थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी ही खाते हैं, तो मैंने डाल दिया। अब इसमें सीटी लगाने का वेट करेंगे, तो बस तैयार हो जाएगा मेरा खाना, यानी लंच चने काले चने मसालेदार। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी सबको लंच करा के और खुद लंच करके इत्मीनान से बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और ज़्यादातर लोग लंच करके सो जाते हैं, तो मुझे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती। ये तो मैंने शायद आप लोगों को बताया है कि मैं कभी दिन में नहीं सोती, कभी भी नहीं, यहाँ तक कि तबीयत भी खराब होती है तो बहुत ही बाई चांस है कि अगर मैं 10-15 मिनट के लिए सो गई, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती। और बचपन से मेरी आदत है, ये नहीं अभी आदत है, और अब तो रात में भी नींद कम हो गई है।
बस रात में ही सोती हूँ। और ये मेरी आईब्रो आपको दिख रही होगी ना, बहुत क्रूसिंग की तरह थोड़े दिन बाद हो जाएगी। और इस आईब्रो पे पता है क्या हुआ है, छोटे छोटे से दाने निकल आए। अभी नहीं समझ में आ रही है दाने क्यों निकले, वो दाने दर्द भी कर रहे हैं। तो वो दाने पता नहीं क्यों निकले, आईब्रो बढ़ी तो साथ में उसके दाने भी निकल रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता था। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और मैंने मुझे अब लगानी है कपड़ों की तह, जो मैंने कल मशीन लगाई थी और वो कपड़े सूख गए थे, लेकिन मैंने उसकी तह नहीं लगाई थी, तो मैं सोची हूँ उसकी भी तह लगा के अलमीरा में लगा दूँ, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ तो काम होता ही है और टाइम पास ऐसे ही हो जाता है मेरा। मुझे तो चाहिए कुछ ना कुछ काम। पहले मैं सोची कपड़ों की तह लगाने से पहले पीऊँगी मैं चाय, और मैं चाय बहुत पीती हूँ जैसा कि आपको पता ही है। कम से कम 7-8 कप चाय तो हो ही जाती है, और हमारे घर में तो 3 बजे रात तक चाय बनती है, क्योंकि किसी की सोने की आदत नहीं है। हस्बैंड भी जगे रहते हैं 4 बजे तक, पता नहीं क्या करते हैं, सीरीज वगैरह देखते हैं और क्या करेंगे। और तो उनके साथ कभी कभी मैं भी जग जाती हूँ, और इस टाइम तो नींद आ ही नहीं रही, क्योंकि थकान ही वैसे नहीं हुई, जिम वगैरह सब छूट गया है और पता नहीं कब स्टार्ट होगा। और जिम वगैरह छूटने के साथ मैं एकदम गोलगप्पे की तरह होती जा रही हूँ, वैसे ही मोटी हो गई थी, अब तो और मोटी हो रही है। घर में क्या है, बस खाना ही है, और क्या है, खाने के सिवा कुछ नहीं, खाना खाना है, चाय पीना है, पूरे दिन का यही काम है। तो गाइस पहले मैं जाती हूँ चाय बनाने अपने लिए, फिर उसके बाद कपड़ों की तह लगाती हूँ, फिर उसके बाद देखना है क्या क्या करती हूँ। और मैंने आप लोगों से अभी बात कर ली है, तो मैं पहले चाय पीती हूँ और अपने अंदर फुर्ती लाती हूँ, उसके बाद अपना काम निपटाती हूँ। तो चलिए मेरी चाय बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं बेडशीट सही कर रही हूँ और वही झाड़ रही हूँ बेड। और क्या है ना कि बेड मैंने साइड में टिन की वजह से कर दिया है, तो बिल्कुल किनारे लगा दिया है, तो बेडशीट तो बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कैसे बिछा रही हूँ, और अभी मैं बेड पर चढ़ गई हूँ और आराम से चारों तरफ से बेडशीट बिछा रही हूँ। फिर भी उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बेड वैसे ही हो जाता है। तो दिन भर में 4-5 बार तो ये काम रूटीन रहता ही है कि आपको बेडशीट और बेड सही करना है, क्योंकि बस जहाँ फैमिली में तो ये सब चलता ही रहता है। तो बस मैं बेडशीट सही कर रही हूँ, और उसके बाद और भी काम करने हैं, छोटे मोटे काम बहुत सारे घर में होते हैं, तो धीरे धीरे फिनिश करने हैं। और आजकल तो जितना अपने आपको बिजी रखो उतना ही अच्छा है, टाइम पास बहुत अच्छा हो जाएगा। गाइस इसमें मैंने लगाया था मनी प्लांट, और ये मनी प्लांट मैंने ठंडियों में लगाया था, यानी काफ़ी टाइम हो गया, तो ये पूरा सूख गया था, लेकिन मैंने इसको निकाल के नहीं फेंका था। और ये देखिए अब इसमें छोटी छोटी सी पत्तियां आ रही हैं मनी प्लांट की, बहुत छोटी छोटी हैं, ऐसी पत्तियां मैंने पहली बार देखी हैं, बहुत नन्ही नन्ही पत्तियाँ हैं। और ये देखिए ये इतनी छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही हैं, इसके अंदर भी आ रही है, अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत छोटी छोटी नन्ही नन्ही पत्तियाँ, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो मैं इसको फेंकने वाली थी, अच्छा किया कि मैंने इसको नहीं फेंका। और ये मनी प्लांट मेरा फिर से हरा भरा हो रहा है, करीब 8-9 महीने पहले मैंने इसको लगाया था, ठंडियों में पूरी तरह सूख गया था, लेकिन इसका मैं पानी चेंज करती रहती थी, तो अब मेरी मेहनत सफल हुई है। और ये इसमें फिर से पत्तियाँ आ रही हैं, और हरी भरी हरी छोटी छोटी पत्तियाँ मुझे बहुत सुंदर लग रही हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बनी हूँ नाई और एंजल की हेयर कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे, उसको उलझन हो रही थी। और जैसा कि पता ही है कि पार्लर वगैरह सब बंद है, नाई की शॉप वगैरह सब बंद है, तो मैंने सोचा लाओ मैं ही कटिंग करूँ। वो डर रही थी कि आप छोटे कर दोगे छोटे कर दो, बाकी में मैंने इसके बाल बहुत छोटे कर दिए, बाल इसके लंबे थे, लेकिन मैंने ब्लेंड कट कर दिया, पता नहीं कौन सा कट हो रहा है। कैंची भी मेरे पास नहीं थी, और आप लोग देख रहे हो बहुत नन्ही सी कैंची है, छोटी सी कैंची जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, और उसकी धार भी बहुत तेज़ नहीं है, तो वो रिफाइंड वगैरह या कुछ कटिंग करने के लिए मैंने किचन में रखी है, तो वही एक कैंची थी मेरे पास, तो उसी से मैं कटिंग कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, देखते हैं। और हम लोग हंस भी रहे हैं कि पता नहीं कौन सी कटिंग होगी, और वो भी डर रही है पता नहीं मेरे बालों का क्या हाल होने वाला है। तो बस मैं बन गई हूँ नाई, और इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। और कैसा लगा आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो शेयर करना, लाइक करना। तो कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और इस टाइम रात के 8 बजे हैं जो मैं इसकी हेयर कटिंग कर रही हूँ, बस इसको हल्का सा गुनगुना पानी करके मैं इसका हेड वॉश करा दूंगी। तो चलिए कल आप लोगों से फिर मैं मिलती हूँ नए रूटीन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाय बाय।